अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में आज सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला, लेकिन यूपी, हरियाणा, राजस्थान के हालात भी अच्छे नहीं रहे। आग और धुएं की लपटें कई राज्यों से उठी। बिहार में अलग अलग जिलों में छात्र सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया गया। कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई, बोगियां जलाई गई तो कहीं सड़क पर टायर जलाए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गोपालगंज, छपरा, आरा, जहानाबाद, मुंगेर और भी कई जिलों में सेना के नई भर्ती की योजना का जमकर विरोध किया। कल जुमे को लेकर यूपी पुलिस पहले से अलर्ट मोड में है। यूपी पुलिस ने कहा है कि सभी धर्मगुरुओं से बात हो गई है, यहां तक कि बरेली में कल होने वाले प्रदर्शन को भी आगे बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि अगर फिर भी हालात बिगड़े तो कड़ाई से हालात को निपटा जाएगा। हिंसा की आशंका को देखते हुए एहतियातन लखनऊ, प्रयागराज, बरेली समेत कई शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कार चोरी के गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से गाड़ियों की हैकिंग कर चोरी करते थे। पुलिस ने गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 2 स्विफ्ट कारें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी टूल डिवाइस पैड का प्रयोग करते थे और स्विफ्ट कारों के सिस्टम को हैक कर गाड़ी चुरा लेते थे। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से ग्वालियर तक लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सर्विलांस की मदद से इस गैंग तक पहुंच गए। यूपी के गाजियाबाद में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी ने कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पासपोर्ट ले लिया और ऑनलाइन ऐप के जरिए पैसे भी ले लिए और उसके बाद से आरोपी फरार हो गया। मामले की जांच करने पर पता चला कि आरोपी अब तक 11 लोगों से करीब 3.5 लाख की ठगी कर चुका है। दिल्ली के बदरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां सड़क पर लगी सब्जी, रेडियों और खरीदारी कर रहे लोगों को एक टैंकर ने कुचल दिया, जिसके चलते 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खरीदारी कर रहे लोगों को अचानक दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर कुचलता हुआ आगे निकल जाता है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने छापेमारी की और ड्रग्स के साथ रंगे हाथ 4 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 81 ग्राम ड्रग बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख बताई जा रही है। तस्करों के पास से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। एसपी ने बताया कि ये तस्कर एमपी के वडोदरा ड्रग्स की तस्करी करते थे। हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कॉपर बंडल चुराकर स्क्रैप मार्केट में बेच रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से कुल 38 कॉपर बंडल बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से एक एम्बुलेंस भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ा था और कमांड सेंटर के गार्ड की मदद से चोरी करता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।